हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले सीएम सुक्खू ने एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से खास बातचीत में कहा कि कोशिशें लगातार जारी हैं। उन्होंने बताया मंडी से मनाली का रूट खोल दिया गया। सुनिए ये पूरी बातचीत। हमारे साथ में हिमाचल के सीएम हैं और हम जहां बैठे हुए हैं वो कुल्लू का डीसी ऑफिस है। डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा यहां कहां से कामकाज हो रहा है। खुद सीएम सुक्खू यहां बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं। और एक अहम जानकारी ये दे दें आपको कि मनाली से जो लोग फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करवाने के बाद फिर यहां पर पहुंचे हैं और आगे के पूरे इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। सुक्खू साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे एक अपडेट आप दें। अभी आप एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि मनाली में जो लोग फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने की प्रक्रिया आपने शुरू करवा दी है, उसके बारे में जरा पहले बताइए, क्योंकि उस पर सबकी चिंताएं थी। देखिए, मनाली से मैं तकरीबन 5,000 टूरिस्ट की गाड़ियां फंसी हुई थी और तकरीबन एक घंटे पहले हमने 1.5 घंटे से उसमें से 1,000 गाड़ियां अभी तक निकल चुकी हैं और मुझे लगता है कि आज रात तक हम तकरीबन सारी गाड़ियां मनाली की टूरिस्टों की निकाल देंगे। ये बताइए कि प्रधानमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है, उनसे आपको क्या आश्वासन मिला है और जो आपको क्या कोई मदद चाहिए थी केंद्र से, क्या वो आपको मिली है या आपने कुछ उनसे कहा है, कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आपकी हर संभव हर मदद करने के लिए तैयार है। अभी तक तो कोई मदद आई नहीं है लेकिन हम अपने सोर्सेज से ही पूरा खर्चा कर रहे हैं। जितने भी प्रभावित परिवार है उनको 1,00,000 रुपये का मुआवजा देने की हमने घोषणा की है और उनको खाना पीना राशन हमने सारा पहुंचा दिया है। और मेरा ये मानना है कि जब आंकलन होगा तो ये जो नुकसान है 4,000 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।